फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक बेबी पांडा जब पैदा होता है तो उसका साइज क्या होता है, और ह्यूमन बेबी जन्म के टाइम पे जब रोता है तो उसके आंखों से आंसू क्यों नहीं आता। ज्यादातर लोग दरवाजे पर कॉपर और ब्रास की हैंडल लगाना क्यों पसंद करते। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहिए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फैक्ट नंबर 1। तो पहले जान लेते हैं क्यूट पांडा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक पांडा लंबाई में 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक हो सकता है। उनका वजन लगभग 75 केजी से लेकर 135 केजी तक हो सकता है। एक पांडा लगभग 30 साल तक जी सकता है। तो आप जान लेते हैं सबसे क्यूट बेबी पांडा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक बेबी पांडा जब पैदा होता है तो ये पिंक कलर का होता है और बाद में धीरे धीरे ये ब्लैक और व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जन्म के समय बेबी पांडा का साइज लगभग 15 सेंटीमीटर होता है, जो एक पेंसिल के साइज के बराबर होता है। जन्म से बेबी पांडा ब्लाइंड होता है और 6 to 8 weeks के बाद बेबी पांडा अपनी आंखों से देख सकता है। पांडा बहुत ही आलसी है, ये दिन भर सिर्फ सोता रहता है और खाता रहता है। एक जाइंट पांडा एक दिन में लगभग 15 से 25 केजी बेम्बू खा लेता है। बेम्बू उसका फेवरेट फूड है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट नंबर 2 की तरफ। तो जान लेते हैं न्यू बॉर्न बेबी जब रोते हैं तो क्यों उनके आंखों से आंसू नहीं निकलता। टीयर्स जनरली लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और ये लैक्रिमल ग्लैंड रहता है हमारे आंखों के आउटर कॉर्नर में। पर जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तब उनका लैक्रिमल ग्लैंड फुल्ली डेवलप नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट 1 month तक बेबी जब रोता है तो उनके आंखों से आंसू नहीं निकलता। फैक्ट नंबर 3। तो जानते हैं हनी के कुछ अमेजिंग और अननोन फैक्ट्स। मधुमक्खियां हनी को बनाते हैं। पूरे ग्रीष्म काल में मधुमक्खियां फूलों से हनी कलेक्ट करके अपनी कॉलोनी में जमा करके रखते हैं। जब ठंड पड़ता है तब इन्हीं हनी को खाके मधुमक्खियां अपने आप को गर्म रखता है। एक 300 ग्राम हनी बनाने के लिए मधुमक्खियों को 2 million फ्लावर के पास जाना पड़ता है। हनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हनी कभी खराब नहीं होता। मतलब अगर किसी एयरटाइट बोतल में प्योर हनी को रख दोगे तो ये हजारों साल तक भी अच्छा रहेगा। इसका कारण है हनी में पानी की मात्रा कम रहता है और हनी नेचुरली एसिड है, और हनी बी के स्टोमक में एक एंजाइम रहता है, उसी एंजाइम के कारण हनी में बैक्टीरिया ग्रो कर नहीं पाता, इसलिए हनी हजारों साल तक भी अच्छा रहता है। फैक्ट नंबर 4। तो जानेंगे अभी पोलर बियर के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। पोलर बियर जो बहुत ही ठंड प्रदेश में पाया जाता है, उनका स्किन ब्लैक होता है। उसी ब्लैक स्किन के द्वारा ये सूरज की रोशनी को सोख लेता है और अपने आप को गर्म रखता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि पोलर बियर को आप इंफ्रारेड कैमरा से डिटेक्ट कर नहीं सकते। इंफ्रारेड कैमरा वो कैमरा है जो बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करके आपको विजिबल कर देता है। पोलर बियर के ऊपर घना बाल और उनका मोटा स्किन बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को बाहर आने नहीं देता, इसीलिए पोलर बियर को इंफ्रारेड कैमरा से डिटेक्ट कर नहीं सकते। फैक्ट नंबर 5। हमारे पास एक ऐसी ऑर्गन है जिसमें इतना एसिड है कि वो एक सिंगल एज ब्लेड को पिघला सकता है। जी हाँ, उसका नाम है स्टोमक। हमारे स्टोमक में एक एसिड सीक्रेट होता है जिसका नाम है HCl, और HCl का एसिड pH है 1 to 2। एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि 2 घंटे के अंदर ये एसिड एक सिंगल एज ब्लेड को पिघला सकता है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है हमारी धरती पे कितने पेड़ हैं? तो चलिए जान लेते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी इतने तारे नहीं है जितने हमारे धरती पे पेड़ है। हमारे धरती में 3 trillion पेड़ है, यानी कि हमारे ब्रेन सेल से भी ज्यादा पेड़ इस धरती पे है। फैक्ट नंबर 7। कई लोगों को ये भ्रम है कि मरने के बाद भी हमारा नेल और हेयर ग्रो करता है, पर यह पॉसिबल नहीं है। हमारे नेल और हेयर को ग्रो करने के लिए कंटिन्यू ग्लूकोज सप्लाई चाहिए, पर हमारे मरने के बाद जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तब ग्लूकोज सप्लाई भी बंद हो जाता है, इसलिए आफ्टर डेथ नेल और हेयर ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है ज्यादातर लोगों के घर के दरवाजों में कॉपर का नॉब क्यों लगा होता है? लोग सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए कॉपर का नॉब नहीं लगाता है। इसका कारण है कॉपर और ब्रास बैक्टीरिया को मार देता है। कॉपर एक सेल्फ डिसइंफेक्टेंट है। नेशनल कॉलेज ऑफ काठमांडू नेपाल के एक स्टडी के अनुसार मेटल आयन बैक्टीरिया सेल के प्रोटीन को डीनेचर करके बैक्टीरिया सेल को इनएक्टिव कर देता है, और इस तरह से कॉपर एक स्टेरिलाइजर की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।